थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी आपको और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशुतोष पांडे, मैं इनका एक लौता पति हूँ, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। सो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज का जो कार्यक्रम हम लोगों का वो बेसिकली है कि एनहांस योर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में 1 जुलाई 2021 से क्या नया प्रोग्राम डिजाइन किया है, क्या नया प्रॉफिट मिलने वाला है, क्या आपको इस कोरोना काल में अधिक पैसा कमाने की इच्छा तो है ना, तो यदि अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा। जो व्यक्ति आज गवर्नमेंट जॉब में है उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है, लेकिन जो लोग इस व्यापार में हैं क्या उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। सो फॉरएवर ने आपके लिए बहुत बेहतरीन सौगात लाया है जो आपको ये बताने का प्रयत्न कर रहा है ये प्लान कि फॉरएवर जब भी बदलाव करता है आपके हित का फायदा करता है, आपके लिए फायदा करता है, आपके लिए बदलाव करता है। मुझे याद है 2010 में इस सिस्टम में मैं आया था, तब हम लोगों को 2 CC इकट्ठे करना होता था और वो उस टाइम 30% डिस्काउंट मिल जाता था नोवस कस्टमर को। लेकिन कुछ महीने बाद ये परिवर्तन आया कि नहीं, अब नोवस कस्टमर का सिस्टम लॉन्च किया जाए और 1 जुलाई 2021 से और बेहतरीन प्लान डिजाइन किया गया। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो वेलकम फ्रेंड्स, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। हमारा जो पुराना प्लान था, कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लिया आप यहाँ पे हैं और आप इस सिस्टम में आते हैं, 2 CC के पहले की मैं बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति है जो प्रिफर्ड कस्टमर है PC। अगर आप 5,000 रुपए से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आप फॉर्म भर करके अपनी आईडी पे प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। वैसे जैसा होता है रजिस्ट्रेशन फ्री है, आपके पास ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड हो, ये चारों चीजों के साथ आप इस सिस्टम में फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन कहते ना कि जैसे कि ममता जी ने बताया कि कुछ आपके पास होगा तभी तो आप दूसरे को दिखाएंगे। यदि मेरे सिस्टम में ये एवोकाडो सोप है, अगर ये एवोकाडो सोप अगर मेरे सिस्टम में होगा, मैं दिखा रहा हूं, आप इसको खरीदेंगे देख करके। अब यदि मैं कहूं कि नहीं भाई, ये मेरे पास लिटरेचर है, इसका फोटो है एवोकाडो सोप का, आप देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, अगर आपको चाहिए तो मैं ऑर्डर करूंगा कंपनी से, जब कंपनी प्रोडक्ट देगी तब आपको दूंगा। तो ऐसा करने पे ग्राहक आपके पास, कोई आपका परिचित रुकेगा नहीं, रुकेगा, वो जाके दूसरा कुछ खरीद लेगा। तो कंपनी ने कहा कि 4,000-5,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके आप अपने घर पे रखिए, कुछ प्रोडक्ट को यूज करिए, अच्छा लगे तो फिर लोगों को रिकमेंड करिए। तो आपने 5,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज कर लिया और यदि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट 2-4 यूज करने के बाद अच्छे बेनिफिट दे रहे हैं तो आप क्या करते हैं, कहते हैं दुनिया में 2 इंसान ज्यादा पैसा कमाता, एक कलाकार और एक सलाहकार। तो मुझे नहीं पता कितने लोग कलाकार हैं, लेकिन सलाहकार हम सारे लोग हैं। तो आपने सलाह दिया मिस्टर ए को, ए ने प्रोडक्ट यूज किया, ये भी मान लिया आपने लिए 5,000 रुपए का प्रोडक्ट यूज किए। तो जब ये प्रोडक्ट यूज किए तो इनको क्या मिल रहा था, अभी तक 30 जून तक इनको 15% डिस्काउंट मिल रहा था और आपको भी 15% का डिस्काउंट मिल रहा था। अब जब ये व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा था तो इससे आपको 15% का इंसेंटिव आ रहा था। जहां ना समझ में आए आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे से कंफर्म कर सकते हैं, मिस्टर ए की परचेजिंग से आपको 15% का इनकम अभी तक आ रहा था। ये पुराना सिस्टम है, क्लियर है, अगर क्लियर हो तो प्लीज यस लिखें। अगर आपको ये चीजें अभी तक जो हमने बताई वो क्लियर हैं तो अपने चैट बॉक्स में यस लिख दें ताकि मैं समझ लूं, या वाई लिख दें। और अभी जो 1 जुलाई से परिवर्तन होने जा रहा है वो क्या है, आप यहां पे हैं, आपने 5,000 रुपए से प्रोडक्ट की परचेजिंग कर ली, आप हमारे वहां प्रिफर्ड कस्टमर हो गए। अब आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मिस्टर ए को आपने स्पॉन्सर किया, मिस्टर ए ने भी अपने लिए 5,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया। अब मिस्टर ए ने जैसे ही प्रोडक्ट परचेज किया तो अब यहां क्या हो रहा है, आप 1 जुलाई के बाद जब प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको पर्सनल डिस्काउंट मिलेगा 5%,
और मिस्टर ए को भी पर्सनल डिस्काउंट मिलेगा 5%। लेकिन आप जब इनको स्पॉन्सर किए हैं तो इस स्पॉन्सरिंग से आपको अभी पुराने सिस्टम में 15% का इंसेंटिव जा रहा था, नए सिस्टम में आपको 25% का इंसेंटिव जाएगा। यानी अगर यहां 5000 का 15% कितना हो गया, 750 रुपए आपको जा रहा था, और अब नए सिस्टम में क्या आएगा, 1250 रुपए। यानी आपकी इनकम बढ़ गई, आप अपनी आमदनी को मात्र और मात्र एक दिन के डिफरेंस में, यहां 15% पा रहे थे, यहां आपको 25% का इंसेंटिव आना शुरू हो गया। तो पहली खुशखबरी आप सब लोगों के लिए है कि जो व्यक्ति अभी हमारे सिस्टम में असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं हो पाए हैं, वो यदि प्रोडक्ट 5000 का परचेज करते हैं और किसी को 5000 का परचेज करवाते हैं, तो उनसे यानी नीचे वाले से आपको 25% की इनकम जाने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं किस चीज पे, आप अब प्रिफर्ड कस्टमर से हमारे वहां क्या बन रहे हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर कौन है, यहां पे हम लिखते हैं ओल्ड एएस पुराने सिस्टम से, और नए सिस्टम से आप यदि एएस बनाते हैं तो क्या मिलता है। ओल्ड सिस्टम में क्या था, आप यहां पे 30,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके, यानी 2 CC का प्रोडक्ट परचेज करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, और आपने किसी अपने मित्र को 2 CC का प्रोडक्ट परचेज करवाया, तो ये भी एएस बन गए। सिंपल का फंडा, अभी आपको क्या मिल रहा था, मिस्टर ए से आपको 15% प्लस 5%, यानी टोटल 20% की इनकम आ रही थी। इस महीने जो भी आप एएस बनाए हैं, एक व्यक्ति के एएस बनने से आपको 15% और 5% की इनकम जा रही है। मेरी आवाज क्लियर जा रही है आप लोगों को, यदि जा रही हो क्लियर तो 1 टाइप कर दें। ओके, तो अभी तक पुराने सिस्टम में आपको अपने फ्रंट पे एएस बनाने से 15% और 5% का इनकम जा रहा था। आइए 1 जुलाई के बाद क्या परिवर्तन होने वाला है। आपने 2 CC कंप्लीट किया और एक व्यक्ति को 2 CC आपने मिस्टर ए को कंप्लीट करवाया। जैसे ही मिस्टर ए 1 जुलाई से 2 CC कंप्लीट करेंगे, तो इनसे आपको क्या क्या जाएगा देखा जाए। पहला फायदा जाएगा, जहां आपको यहां 15% का नोबस कस्टमर प्रॉफिट जा रहा था, अब ये नोबस कस्टमर प्रॉफिट हो जाएगा 25%। बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए कि कोई व्यक्ति अपने फ्रंट पे एक व्यक्ति को एएस बनाता है, या अगर वो एएस नहीं भी बनते हैं, 10,000 5,000 20,000 का जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनसे आपको 25% की इनकम आने वाली है। केवल कौन सी, इसको बोलते हैं नोवस कस्टमर प्रॉफिट, एनसीपी। प्लस आपको क्या करना होगा, एक मैं उदाहरण से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। सपोज करिए कि आप, जैसे मैं अपनी बात करूं, और अभी आरिफ जमाल साहब भी बैठे हुए हैं हमारे मीटिंग में। आरिफ जमाल साहब, मैं आपसे अगर पूछूं कि आप कक्षा 1 से 5 तक कौन से विद्यालय में पढ़े हैं, तो मैं भी बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं, और मुझे लगता है आप भी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े होंगे, प्राइमरी में ही पढ़े होंगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मेरी तरह प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे, और प्राइमरी स्कूल में क्या होता था, 1, 2, 3, 4, 5 क्लास पढ़ने तक हमको ABCD उस जमाने में नहीं सिखाया जाता था। मैं सही हूं जी? आपने कहा एकदम बिल्कुल सही, सही बात सर। तो कक्षा 5 तक हम लोगों को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं सिखाया जाता था, और कक्षा 6 में जैसे ही जाते थे हमारे सर पे पहाड़ आ जाता था, गुरु अब तो हमको ABCD पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस जमाने में इंग्लिश का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ करता था।
लेकिन कॉन्वेंट का विद्यालय में जाने वाला बच्चा क्या सोचता है, आज से ही वो कक्षा एक में गया, एलकेजी में गया, प्लेवे में गया, उसे ए फॉर एप्पल पढ़ने को मिल जाता है। यानी वो शुरू से माइंड मेकअप किए हुए है कि गुरु मुझे ए फॉर एप्पल पढ़ना है, टाई लगाना है, वो बैच लगाना है, बेल्ट लगाना है, ये सब लगाने के बाद जाना जाता है वो बच्चा। लेकिन हम लोगों के जमाने में ना टाई होता था ना बेल्ट होता था, बस यूं ही चले जाओ। तो ऐसी दशा में जब वो बच्चा प्राइमरी वाला अचानक सिक्स में आता है तो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन कॉन्वेंट वाले बच्चे को कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि हमने ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ा, वो शुरू से पढ़ा हुआ है। ऐसे ही आज की डेट में कंपनी ने क्या किया कि जैसे फॉरेवर में आप सुपरवाइजर होते थे तो आपको ना 1+3 का एक बड़ा शौक लगता था, अरे बाप रे 1+3 करना होगा। मुझे भी ऐसा ही हुआ था जब मैं सुपरवाइजर बना था तो लगा कि अब आपको 1+3 करना पड़ेगा, जबकि मैं कर रहा था उसके पहले भी, लेकिन ये अचानक आ गया तो लगता था 1+3 पहाड़ है। तो अब कंपनी ने क्या कहा कि आप आइए, शुरू से ही आप इस सिस्टम में ढल जाइए, कॉन्वेंट स्कूल बना दिया इसको। तो आपको यहाँ पे 4 CC करना है नए प्लान में। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ने 2 CC अपना किया, 2 CC अपने फ्रंट पे कर दिया, तो ये 4 CC हो गया, वो एक्टिव हो गया। जैसे वो एक्टिव हो गया तो उसने जब ज्वाइनिंग कराई किसी व्यक्ति की तो उससे 25% मिला और 5% का उसको बूस्ट बोनस मिलेगा। यानी टोटल कितना मिल जाएगा, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को अभी तक पुराने प्लान में 20% की इनकम आती थी, आप यहां देखें 15 और 5 20%, लेकिन नए सिस्टम में क्या होगा 25 और 5 30% की इनकम आएगी। पुराने सिस्टम में आपको 6,000 रुपए मिलते थे एक व्यक्ति को असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने पे, और नए सिस्टम में आपको 9,000 रुपए मिल रहे हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने पे। कैसा लगा आपको? आप कुछ आगे लिखें तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अभी जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए प्लान बताया मैंने, वो कैसा लगा, इससे कितने लोगों को बेनिफिट होने वाला है? हर व्यक्ति अगर आज की डेट में 4 CC का वो प्लान करता है, सपोज वो 1 CC अपनी आईडी पे करता है और 3 नए बंदों को 1-1 CC से इंट्रोड्यूस करता है। वेरी नाइस, घनश्याम सर बोल रहे हैं वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, गजब का प्लान है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा इरफान, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी अगर आप देखें तो एक व्यक्ति अगर अपने अपनी आईडी पे 1 CC का प्रोडक्ट परचेज करता है तो तकरीबन 12,000 रुपए का हुआ। 12,000 पे आपको 5% का बूस्ट बोनस मिल गया, तो 12×5=600 रुपए का ये प्रॉफिट हो गया, प्लस 30% का आपका होलसेल रिटेल मार्जिन हो गया। तो औसतन मान लें ये 3,000 रुपए 600, 3600 रुपए का होलसेल रिटेल मार्जिन और 5% का बूस्ट बोनस। इसके अलावा अगर 3 बंदों को आप असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने फ्रंट पे बनाते हैं तो 4,500 4,500 9,000 हो गया, और 10, 11, 12, 13, 13,500 रुपए की इनकम और आपको आ गई। यानी आप अगर देखें तो 5 5 10 11 का 1 हाथ में आए 3 6 7। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक अपने फ्रंट पे अपनी आईडी पे 1 CC करता और 3 बंदों को कैसे 1, 2 और 3, यहां आप हैं, 1 CC आपने किया, 1 CC इन्होंने किया, 1 CC इन्होंने किया और 1 CC इन्होंने किया। तो यानी अपने फ्रंट पे आपने 3 CC किया और 1 CC अपना किया, तो आज की डेट में आपको 1 जुलाई के बाद से 17,100 रुपए मिलेंगे। बिलीव करिए, मैं जब फार्मा में आया था 1995 में तो मेरी सैलरी थी मात्र और मात्र 1,500 रुपए पहले महीने की, और 5 वर्ष काम करने के बाद मेरी सैलरी हुई 12,500 रुपए। 5 साल लगे मुझे 10-12 हजार पहुंचने पे। और आपके लिए क्या है, फॉरएवर में आप कदम रखे, अगले महीने से आप कम से कम 15,000 से 20,000 रुपए की इनकम अर्न कर सकते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के नए प्लान से। आज यदि आपको मैं गोरखपुर की बात करूं तो यदि कोई व्यक्ति गोरखपुर में नौकरी करना चाहता है तो उसे नौकरी करने में 10-12 हजार रुपए सैलरी मिलेगी, वो भी 300 दिन 2400 घंटे टेंशन में रहना पड़ेगा। तो ऐसी दशा में आपके लिए एक बहुत ही साधारण सा सिंपल सा प्लान, केवल 4 CC का बिजनेस करिए और आपको 17,100 रुपए की इनकम आनी शुरू हो गई। तो अच्छा प्लान है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, इसी के दौरान हम आपको जवाब भी देते चलेंगे, आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए कि सवाल का जवाब भी होता जाएगा, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं उसका भी जवाब हम दे सकते हैं इसी में। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से क्या बन गए, सुपरवाइजर। सपोज आप हो गए सुपरवाइजर, सुपरवाइजर ने अपना 2 CC जो 25 CC कंप्लीट किया, और एक सुपरवाइजर एक व्यक्ति को असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने फ्रंट पे बनाता है। मिस्टर ए को ज्वाइन किया, मिस्टर ए ने 2 CC कंप्लीट किया पुराने सिस्टम के अनुसार, तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर हैं, तो आपको क्या मिलेगा इनसे, 15% प्लस 8%, यानी 23% की इनकम पुराने सिस्टम से आपको मिल रही थी। दोस्तों आज का ये प्लान ना सुपरवाइजर्स के लिए तो समझिए वरदान है, एक ऐसा यंत्र दे दिया कंपनी ने आपको कि आप बहुत शानदार इनकम अर्न कर रहे हैं। एक पर्सनल ओके ठीक है, तो ऐसी दशा में आपको 23% मिल रहा था, तो अगर हम यहां पे 30,000 रुपए से 2 CC हो रहा है, तो 30,000 का 23% की बात करें तो 3 × 6 तकरीबन 6,900 रुपए आएगा लगभग। और अगर आज की डेट में हम देखें नए प्लान में, आप सुपरवाइजर हैं, आपने एक व्यक्ति को 2 CC करवाया मिस्टर ए को, तो देखते हैं इस सिस्टम में क्या मिलेगा, इस सिस्टम में आपको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। ये एक शानदार प्लान है, आप सुपरवाइजर हो चुके हैं, आप अपने फ्रंट पे 2 CC कंप्लीट किए, और 2 CC कंप्लीट करते ही आपको नए प्लान में क्या मिलेगा, 23% अगर हम 30,000 का निकालें तो कितना होगा, यानी 6,900 रुपए आपको मिलते थे पुराने सिस्टम के अनुसार। अब नए सिस्टम में अगर हम बात करते हैं, ओके बताता हूं, तो नए सिस्टम में क्या हो गया, आपने 2 CC किसी व्यक्ति का करवाया, आप सुपरवाइजर हैं, तो आपको पहला प्रॉफिट होगा नोवस कस्टमर प्रॉफिट 25%, यहां क्या मिल रहा था 15%, ए बिग डिफरेंस, एक ह्यूज अमाउंट आज आपको मिलने जा रहा है। अगर आप सुपरवाइजर हैं और आपने किसी व्यक्ति को अपने फ्रंट पे सुपरवाइजर असिस्टेंट सुपरवाइजर ही बनाया, तो उस असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपको इनकम क्या आने वाली है, पहला बोनस कस्टमर प्रॉफिट 25%, दूसरा इनकम आपको मिलेगा पर्सनल बोनस 8%। तो अगर आप 30,000 का ही निकाले, 33% कितना हो गया, 9,900 रुपया। बॉस मैं इस कंपनी में सीनियर ईगल मैनेजर हूं, और मैं अपने फ्रंट पे जब किसी व्यक्ति को असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाता था, अभी 30 तारीख तक की मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे 9,900 रुपए मिलते थे। और आज एक सुपरवाइजर को अगर इस सिस्टम के तहत वो अपने फ्रंट पे एक व्यक्ति को असिस्टेंट सुपरवाइजर बना देता है, तो उसे 9,900 रुपए मिल रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी इनकम। इसके अलावा एक बूस्ट बोनस मिल रहा है, आप यदि सुपरवाइजर हैं, 1+3 आप कंप्लीट कर रहे हैं, यानी 4 CC कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको फायदा क्या होने वाला है, आपकी टीम से 5% का बूस्ट बोनस अनदर मिलेगा। यानी अगर हम 30,000 ही मान लें, तो 3×5=1,500 रुपए आपको और मिलने वाले, तो 9×5=14 हाथ में आया 11,400 रुपए की इनकम बैठती है एक सुपरवाइजर की, जो अपने फ्रंट पे एक सुपरवाइजर को इंट्रोड्यूस करता है। यानी अगर हम परसेंटेज में देखें तो 25 और 8 33 और 5 38% की इनकम हो रही है एक सुपरवाइजर की। सोचिए कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी इनकम आज आपको मिल रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। ठीक यही सिचुएशन अगर हम देखते हैं, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, अब देखते हैं एक असिस्टेंट मैनेजर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आता है, और एक असिस्टेंट मैनेजर यही काम करता है, असिस्टेंट मैनेजर अपने फ्रंट पे 2 CC किसी व्यक्ति को करवाता है, मिस्टर ए को 2 CC करवाता है, तो 2 CC में अभी 30 तारीख तक क्या मिल रहा है, 15% प्लस एक असिस्टेंट मैनेजर का बोनस कितना होता है, 13%, तो 15 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28%।
अब अगर हम 30,000 रुपए का 28% निकालें तो 8,400 रुपए उसे आज की डेट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से मिल रहा है, सही है। अब आगे देखते हैं, आप यदि 1 जुलाई से यही काम करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर तब भी थे अब भी हैं, एक व्यक्ति को असिस्टेंट सुपरवाइजर बना दिया मिस्टर ए को, तो अब आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 25% प्लस आपको मिलेगा आपका पर्सनल बोनस 13%। तो 25 और 13 को जोड़ दें कितना हो जाएगा, 8 और 3 38%। और अगर हम 30,000 का ही 38% निकालें, मात्र 30,000 का, तो 30,000 का जो 38% बैठेगा ये बैठेगा 11,400 रुपया। और यदि असिस्टेंट मैनेजर साहब ने 1+3 कंप्लीट कर लिया, यानी 4 CC कंप्लीट कर लिया, तो उनको 5% का बूस्ट बोनस भी मिलेगा, यानी 30,000 का 5% उनको बूस्ट बोनस एडिशनल मिलेगा। तो आइए देखते हैं 5% कितना हो गया, 3×5=1,500 रुपए और हो गए, तो ये हो गया आपका 12,900 रुपया एक असिस्टेंट मैनेजर को मिलेगा, जबकि मैं सीनियर मैनेजर के तौर पे 9,900 रुपए आज की रेट में पा रहा हूं और आप असिस्टेंट मैनेजर हैं तो आपको मिल रहा है 12,900 रुपए। हाँ, अगर 100 रुपए और बढ़ा दे तो 13,000 रुपए हो गया, एक बहुत बड़ा अमाउंट आज को मिल रहा है। इसके अलावा जो हमारे जैसे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीनियर ईगल मैनेजर या अबव और लोग हैं, उनको क्या मिलता है अगर उसको देखा जाए, तो एक व्यक्ति फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में यदि आज की रेट में मैनेजर है और इसने अपने फ्रंट पे मिस्टर ए को 2 CC कंप्लीट करवाया, तो अभी तक क्या मिल रहा था, 15% प्लस 8% कितना हो गया, सॉरी 18%, 15 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33%। क्लियर? अगर हम इसका 30,000 से ही गुणा करते हैं, 30,000 का 33% निकाल लेंगे, 9,900 रुपए। सोचिए, एक मैनेजर फॉरएवर में आज की डेट में अगर अपने फ्रंट पे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाता है तो उसे 9,900 रुपए मिल रहे हैं। अगर आज की डेट में वो 1 जुलाई से यही काम करता है, मैनेजर ने अपने फ्रंट पे किसी व्यक्ति को असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाए मिस्टर ए को, तो इनसे इनको क्या मिलेगा, पहला तो मिलेगा 25% का नोवस कस्टमर प्रॉफिट, सेकंड क्या मिलेगा, 18% का पर्सनल बोनस। तो अब अगर 25 और 18 को जोड़ दें तो 25 + 35, 35 + 40 = 43% का आपको प्रॉफिट हो रहा है 1 जुलाई 2021 के बाद। अब ये अगर हम जोड़ें 30,000 रुपए से ही जोड़ते हैं तो 12,900 रुपए बैठता है। अब ये सज्जन ऑलमोस्ट मैनेजर 4 CC करेगा ही, तो 4 CC अगर करेगा तो उसको एक इनकम और मिलेगी, दैट इज बूस्ट बोनस 5%। तो 5 × 3 = 1,500 रुपए यहां और जुड़ जाएगा, तो 9 × 5 = 14 का 4 हाथ में आया, 1 × 3 = 4, एक मैनेजर 14,400 रुपया एक व्यक्ति को असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से पा रहा है। सोचिए कितनी बड़ी रकम आज आपको मिली है अगर आप अपने फ्रंट पे मेहनत करें, अगर आप मेहनत करें केवल और केवल, मत टीम को सपोर्ट करिए, मत कोई काम करिए, फॉरएवर में एक नौकर, सॉरी मैं नौकर बोल रहा हूं, मैं नौकर था इसलिए याद आ रहा, नौकरी कर लीजिए, केवल और केवल नौकरी कर लीजिए, ईमानदारी से 20 दिन काम कर लीजिए और केवल 4 CC ही कंप्लीट कर लेते हैं, 1 CC अपना कर लेते हैं, तो 4 CC पे कितनी इनकम आ रही है, 1 CC पे आ रहा 12,900 रुपया, तो लगभग 6,000 साढ़े 6,000, तो 6×24 = 25,000-26,000 रुपया आपको ये आ गया, प्लस 1 CC पे जो करेंगे वो अलग, तकरीबन 28,000-29,000 रुपए की मार्जिन आप बड़े आराम से कमा सकते हैं
जो हम ये टाई बांध करके साहब की जी हुजूरी करके काम करते हैं वहां पे आपको मात्र और मात्र 15,000 से 20,000 रुपए मिलते हैं। आप वही नौकरी बांध करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कर लीजिए, बिलीव करिए जिंदगी तो समर ही जाएगी, परिवार भी समर जाएगा, और जब आप हम मिल करके काम करेंगे ना तो टीम तो अपने आप बनेगी। यानी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप फॉरएवर में हैं, ईमानदारी से 20 दिन काम करेंगे तो 50,000-60,000 रुपए बड़े आराम से आ जाएंगे। कहीं नहीं गया है, किसी पोस्ट पे हो आप, इवन आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, मेहनत करके काम करें तो 50,000-60,000 रुपए बड़े आराम से कमा सकते। इस पुराने सिस्टम के तहत काम करके असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ने 70,000-70,000 रुपए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अचीव किया। तो एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म कंपनी ने दिया, बहुत ही शानदार प्लान कंपनी ने दिया। एक बात मैं आपको और बता पाऊंगा, ये तो हो गया टोटल इनकम की बात, इसके आगे चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। अभी नए प्लान के तहत पूरा प्लान भी डिजाइन करेंगे, ओल्ड प्लान करेंगे, बट आज हम लोगों ने हल्की हल्की बातें करी। अब एक प्लान और बातचीत करते हैं, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर, क्योंकि हम लोग एएस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और आप अभी एएस हैं, आप एएस 2 CC कंप्लीट किए, आपके नीचे 2 CC कंप्लीट हुआ, मान लिया 3 लोगों ने 2 CC कंप्लीट किया, अब इनके नीचे भी टीम है, इनके नीचे भी टीम है, इनके नीचे भी टीम है, ये सारे क्या है, एएस है, ये सारे एएस है। यानी मान लिया एक असिस्टेंट सुपरवाइजर आप हैं और आपने एएस की 50 लोगों की टीम बना ली, 100 लोगों की टीम बना ली, फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं मेरे नीचे में ऐसे हैं, मेरे एक छोटे भाई साहब हैं जो पेशे से एडवोकेट हैं और आज की डेट में उनकी टीम में तकरीबन 350 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं और वो खुद भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है। ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे 1 CC अपनी आईडी पे 3 CC नए लोगों से करवा लेते हैं, यानी 4 CC कर लेते हैं, तो जितनी बड़ी आपकी टीम हो एएस की, वो एक्टिव अगर नहीं है तो उस सारी टीम से आपको 5% का बूस्ट बोनस भी मिलेगा। सोचिए कितना बड़ा रकम मिलेगा। अब अगर 100 एएस हैं, औसतन मान लिया कि 10 लाख रुपए का ही बिजनेस करते हैं, 5 लाख रुपए का ही बिजनेस करते हैं, तो 5 लाख पे आपको 5% एडिशनल मिलेगा। सोचिए कितनी बड़ी रकम आएगी। यानी आज कंपनी ने पूरा हाथ खोल दिया आपके लिए, जितना चाहिए उतना इनकम अर्न करिए, करना आपको पड़ेगा, मेहनत नहीं, दिमाग से काम करिए, दिमाग से काम करके आप फॉरएवर में बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये हमारा आज का बूस्ट एएस का सेशन रहा, कैसा लगा आप लोगों को? किसी सज्जन ने बोला है न्यू मेंबर कैसे करेगा, तो मैंने आपको इसके लिए पहले ही बताया, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, अगर अभी कोई किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं, मैं सर के सवाल का जवाब देता हूं कि उन्होंने बोला न्यू मेंबर कैसे करें। न्यू मेंबर मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आप आज ज्वाइन किए हैं और आपने 5,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज कर लिया, इसको हम लोग न्यू मेंबर मानते हैं। तो ये न्यू मेंबर क्या करेगा, प्रोडक्ट यूज किया, अपने फ्रेंड्स को प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, प्रोडक्ट की खूबियां बताएगा, वो ये नहीं बताएगा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट मिलेंगे, ये प्रोडक्ट सिस्टम से मिलेंगे और सिस्टम से खरीदना है। तो जैसे मान लिया इस न्यू बंदे ने 3 व्यक्तियों को 4 व्यक्तियों को या 5 व्यक्तियों को 5,000 से ज्वाइन करा दिया, सबने अपने अपने लिए 5,000 रुपए खरीदे, तो आज की डेट में इसको 1 जुलाई से 5% का डिस्काउंट मिलेगा पर्सनल। इसके अलावा इन पांचों का बिजनेस कितना हो गया, मान लिया 6 कर लिए, 6 लोगों ने 5,000-5,000 रुपए का बिजनेस आपके फ्रंट पे कर लिया, तो 5,000 × 6 = 30,000 रुपए की बिजनेस आपका एक महीने में हुआ। इस 30,000 पे आपको 25% की इनकम आएगी, तो 25 × 75 = 7,500 रुपए की इनकम आपको मिल जाएगी इस नए सिस्टम के साथ, जो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर भी नहीं हुआ, 2 CC भी कंप्लीट नहीं किया उन्होंने, मात्र और मात्र 5,000 रुपए के प्रोडक्ट को परचेज करके कंज्यूम किया है या किसी को रिटेल कर दिया है और 5-6 लोगों को अपने फ्रंट पे 5,000-5,000 रुपए से ज्वाइन करवा दिए हैं, तो उनको टोटल टर्नओवर उन्होंने किया 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में 30,000 रुपए का, 30,000 पे आपको 25% की इनकम आ गई।
यानी 5,000 रुपया लगाया था आपने और इस 5,000 रुपये से आपने 7,500 रुपया कमा लिया, 25% 2,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको, 5,000 रुपये आपने जो पूंजी लगाया था वो अलग हो गया। तो एक बहुत ही शानदार काम है। और जो लोग अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बने हैं, मैं बताता हूँ ऐसे कुछ लोग भी होंगे टीम में, अभी आज की मीटिंग में, जो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में नहीं बने हैं वो अभी प्रिफर्ड कस्टमर हैं। वो कहते हैं कि सर इस लॉकडाउन में मेरे पास पैसे नहीं है। मैं मानता हूं इस लॉकडाउन में पैसे नहीं है, लेकिन इस लॉकडाउन में आप पैसे कमा तो सकते हैं ना। कैसे? आपने केवल और केवल अपने घर के गुल्लक को फोड़ना है। हर घर में गुल्लक होता है और उस गुल्लक में कुछ ना कुछ पैसे जरूर होते हैं। उस गुल्लक को खोलिए, 5,000 रुपये निकालिए और 5,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदिए। 5,000 में क्या मिलेगा आपको? 3 एलोवेरा बड़ा बड़ा खरीद लीजिए। नई एलोवेरा खरीदना है, ब्राइट टूथ जेल खरीदिए 10, ठीक है। 3 एलोवेरा खरीद लिया आप, क्या हुआ, एक घर में कंज्यूम कर लीजिए और 2 को रिटेल कर दीजिए। अब इस 5,000 में आप ये मत सोचिए कि ये हमारा पैसा है, ये पैसा गुल्लक का है, गुल्लक को वापस कर लीजिए। तीनों बिक गया फिर आप 3 पीस मंगा लीजिए, फिर आप 3 पीस मंगा लीजिए। ऐसे करते हुए 3 पीस को आप अगर 7 बार घुमा दिए तो ये हो गया 21 पीस। 21 पीस में आप फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे और आप वो इनकम अर्न करने के लिए बन जाएंगे जो वास्तव में डिजाइन की गई है। एक पान की दुकान भी इंसान खोलता है ना तो 50-60 हज़ार रुपए लगा के खोलता है। आज लॉकडाउन खत्म हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अगर आज की डेट में किसी को कहा जाए कि भैया आपका बेटा इंटर पास है और फलाने विद्यालय में एक चपरासी की नौकरी है, तो हर घर में चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे ना हो 2-4 लाख रुपए निकल जाएंगे घूस देने के लिए। डोंट टेक अदरवाइज। हम 2-4 लाख घूस देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो आपके घर में कंज्यूम हो रहा है, टूथ जेल कंज्यूम हो रहा है, डिओड्रेंट आ ही रहा है, साबुन आ ही रहा है, शैम्पू आ ही रहा है, उसी को केवल और केवल ब्रांड चेंज करके भी आप फॉरएवर में इनकम अर्न कर सकते हैं। तो आप इससे हाँ वैल्यूम बोनस में भी चेंज नहीं, वैल्यूम बोनस सर जो है वो एज इट इज मिलेगा, वैल्यूम बोनस में कोई चेंजेस नहीं है। केवल और केवल जो चेंजेस थे वही मैंने आज बात की, इसलिए मैंने इससे ज्यादा बातचीत नहीं की है। केवल और केवल जो चेंजेज हुए थे, बूस्ट बोनस, न्यू कस्टमर प्रॉफिट, इन दोनों पे हमने चर्चा किया, बाकी कोई चर्चा हमने नहीं किया। सो आज हम लोगों ने ये चर्चा किया कि एक नोवस कस्टमर अपने फ्रंट पे नोवस कस्टमर बनाता है तो क्या प्रॉफिट मिलेगा, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने फ्रंट पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाता है तो उसको क्या फायदा मिलेगा, एक सुपरवाइजर अपने फ्रंट पे सुपरवाइजर बनाता है तो क्या फायदा मिलेगा, एक असिस्टेंट मैनेजर अपने फ्रंट पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाता है तो, और एक मैनेजर अपने फ्रंट पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाता है तो क्या फायदा मिलेगा, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। यदि समझ में ना आई हो, कोई चीज बाद में समझ में आता हो, तो फिर आप इसके लिए बाद में हमारे साथ कल परसों के सेशन में अपने सवाल को रख सकते हैं, या आज कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अगर सवाल नहीं है तो हम आगे आज के मीटिंग को हैंडओवर करते हैं हमारे